शुक्रवार को नगर निगम के रानी लक्ष्मीबाई पार्क में अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ ने जिला अध्यक्ष नीलकंठधर दुबे के नेतृत्व में चौथे चरण के धरने के पांचवें दिन भी जारी रहा। अनिश्चितकालीन धरने में सभी तहसीलों से भारी संख्या में लेखपाल मौजूद रहे। 8 सूत्रीय मांग को लेकर धरने पर बैठे लेखपाल संघ ने जोरदार प्रदर्शन करते हुए नारे लगाए। लेखपाल संघ का कहना है कि जब तक हमारी सारी मांगें पूरी नहीं हो जाती तब तक हमारा ये धरना चलता रहेगा। इस संबंध में गोरखपुरी संवाददाता से बात करते हुए उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ के जिला मीडिया प्रभारी दिनेश चंद्र शर्मा और जिला मंत्री जगदीश प्रसाद ने कहा, अपनी मांगे लेके रहेंगे, लेके रहेंगे, लेके से कम नहीं, दो हजार में कम नहीं, 2500 से कम नहीं, रुपये को कहीं जिंदाबाद, 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 रुपये को कहीं जिंदाबाद, 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 आमे, आमे, जिंदाबाद, जिंदाबाद, तो आमे, अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और अंगड़ाई है, अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और। कितनी मांगे और क्या मुख्य मांग है? हमारी 8 मांगे हैं। मुख्य मांग हमारा वेतन विसंगति है। पहला मांग वेतन विसंगति में 10 साल बाद चपरासी और लेखपाल दोनों एक ही वेतन पर 2400 ग्रेड पे में आ जाते हैं। दूसरा हमारा है एक ही सेवा में 16 साल के बाद कुछ लेखपाल 2400 ग्रेड पे 2800 पा रहे हैं, कुछ 4200 पा रहे हैं। ये सीपी विसंगति है। कंप्यूटर में गवर्नमेंट 20 रुपया प्रति आवेदन पत्र लेती है आवेदकों से, और हम लोगों को कंप्यूटर लैपटॉप उपलब्ध नहीं कराई है, जिसके कारण हम लोगों को दुकानों में जा करके अपना निजी पैसा खर्च करके करना पड़ता है। टीए के रूप में 3 रुपया 28 पैसा डेली के रेट से देती है। 400 किलोमीटर 500 किलोमीटर हम लोग को यात्रा करनी पड़ती है जाँच में। यही सब हमारी मुख्य मांगे हैं। आगे की रणनीति, जब तक हमारी 8 सूत्री मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक हमारा धरना यथावत चलता रहेगा। दिनेश चंद्र शर्मा, जिला मीडिया प्रभारी, गोरखपुर। हमारी मांग पूरी होगी, मुझे पूर्ण विश्वास है। योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी सोमवार को आ रहे हैं, इसके अंदर ही मुझे जहां तक आशा है कि हमारे प्रदेश प्रतिनिधि मंडल से वार्ता करके हमारी मांग को मानने का पूरी कोशिश होगी, और मेरी मांग बहुत जल्द मांग पूरी होगी, मुझे पूर्ण विश्वास है। हाँ, नुकसान हो रहा है, इसके लिए हम उन किसान और छात्रों से क्षमा याचना करता हूँ। मेरी मजबूरी है, मजबूरी इसलिए है कि हम आय जात निवास और जो भी ऑनलाइन का काम है संसाधन के अभाव में उनका सहयोग नहीं कर पा रहे हैं, और मेरा लेखपाल संवर्ग 2005 से गोरखपुर में पहला प्रोजेक्ट ऑनलाइन का आया, और 2005 से अपने जेब से अपने निजी खर्चे से आम जनता का छात्रों का रिपोर्ट लगाए हैं, काम किए हैं, इसलिए मैं मजबूर हूँ। मुझे संसाधन नहीं तो काम नहीं, ये मेरा वो है, विचार है। क्या नाम है आपका? जगदीश प्रसाद, जिला मंत्री, उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ, गोरखपुर।